एवरीवन, कैसे आप सभी। अगर किसी का 10th इनकम्प्लीट है, 12th इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर आप फटाफट एग्ज़ाम देकर अपना टाइम बचा सकते हो और पहले वाले भी मार्क्स आपको ऐड हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, ऑडियस सिस्टम, ठीक है। और ये जो किस बोर्ड से आपको करना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इन शॉर्ट में NIOS कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपना साल बचा सकते हो, ऑन डिमांड एग्ज़ाम यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है। क्या क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। देखिए, मान लीजिए आपने 10वीं किया, फेल हो गए, 12th आप कर रहे थे, फेल हो गए, इसी बोर्ड से, NIS बोर्ड से भी और किसी अन्य इंडिया के अंदर कोई भी बोर्ड हो उस बोर्ड से भी, यानी कि फेल हो गया, इनकम्प्लीट रह गया, तो आप फटाफट अपना जो भी सब्जेक्ट्स में आपका रह गया है वो सब्जेक्ट चूज करके यहाँ से भी और ऑन डिमांड के माध्यम से आप एग्ज़ाम देकर, और रिजल्ट भी इसका काफ़ी फास्ट आ जाता है, जल्दी आ जाता है, अपने साल को बचा सकते हो और अपना 10वीं 12वीं अगर फेल हो गए हो, इनकम्प्लीट रह गया, तो पूरा कर सकते हो ऑन डिमांड के माध्यम से। ये एक सिस्टम है, यह एक इंस्टीट्यूशन है जो ये सिस्टम को फॉलो करती है, यानी कि आपका साल बचाता है कहीं ना कहीं, और एक बहुत अच्छी बात है। आपको एडमिशन लेना है, क्या करना है, मैं आपको सारे प्रोसेस बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले आपको NIS बोर्ड के उस पर आना है, इसके पोर्टल पे, जो कि है www.nios.ac.in। इस पे आने के बाद आपको ऑन डिमांड वाले चीज पे आपको क्लिक करनी है, ऑन डिमांड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने इस तरीके से कर दिया, आपको समझ नहीं आ रहा तो उसका भी आपको हेल्प दिया जाएगा। ये रहा ऑन डिमांड सिस्टम है, ओडी सिस्टम इसको बोलते हैं। सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, राइट, सारी चीज़ें पढ़ लीजिए और आपको इस तरीके से आप क्लिक कर देंगे और एडमिशन आपका शुरू हो जाएगा यहाँ से। कोई अन्य कॉल, अगर आपको कोई अन्य इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। देखो, रजिस्टर बटन है, इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, अपना सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, यहाँ पर उसके लिए आपको ना ये वाला जो पोर्शन है इस पर आपको पहले क्लिक करना पड़ेगा। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ऑन डिमांड, इसको मैंने कर दिया क्लिक, ठीक है। जैसे इस तरीके से अब यहाँ पर ये सारा प्रोसेस अपने आप आ जाएगा, सब पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सीट अवेलेबल है या नहीं इसको आप भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो करना क्या, मैं बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर आप कहीं पर भी हो, कंट्री तो इंडिया ही रहेगा, राइट, और यहाँ पर अपना स्टेट डाल दो आप, यानी कहाँ है आपका, UP है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, कहीं का भी है, जम्मू कश्मीर है, और फिर वो डालने के बाद अपने आप डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया पर आपको क्लिक करनी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया पर आपको सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करनी है। जैसे स्टेट डालोगे तो सारा डिस्ट्रिक्ट अपने आप आ जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट पर आपको क्लिक कर लेनी है। उसके बाद फिर एग्ज़ाम सेंटर आपको चाहिए, तो फिर अपने आप वो डिस्ट्रिक्ट भी क्लिक करने के बाद, देखो प्रोसेस, पहले इंडिया, फिर स्टेट सेलेक्ट करो, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो, फिर एग्ज़ाम सेंटर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्कूल सुविधा दे रहे हैं वो स्कूल आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और अपने हिसाब से आप कितना दूर पास के हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपका हो जाएगा। अच्छा, एक मैं बात बता रहा हूँ, इनकेस आपका एडमिशन में प्रॉब्लम हो रहा है, इनकेस आपका एडमिशन में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, ये काम हम आपको अच्छे से कर देंगे, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं होएगा। एक कॉन्टैक्ट नंबर बता रहा हूँ आपको, जो आप नोट कर लीजिए, 9650925415, 9650925415। इस पर कॉल करके आप सहायता ले सकते हो, आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी, एग्ज़ाम कैसे देना है लिखने, आपको एग्ज़ाम देने से पहले गाइडेंस आपको दी जाएगी, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करवाया जाएगा, या हम आपका एडमिशन ही कर देंगे ताकि आप कुछ फॉर्म में गलत ना भर दो, क्योंकि फॉर्म सही से भरना ज़रूरी है, ये चीज़ आपका ध्यान रखना ऑन डिमांड के अंदर, क्योंकि इसमें खुद ही बकायदा अच्छे से लिखा हुआ है कि आपको फॉर्म को अच्छे से फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से इंसर्ट करनी है, अपलोड करनी है, राइट। तो ये चीज़ हम कर देंगे, आप हेल्प कर सकते हो और आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें आपका आसानी से हो जाए इसके लिए मैंने आपको ये प्रोसेस बताया, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वर्किंग आवर में कॉल करना है, और कोशिश करें कि आप 11 से 5 या 11 से 6 के बीच में पूछ लें फ़ोन करके, ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉल करें, मैसेज कम करने की कोशिश करें। दूसरी बात, अगर कॉल नहीं उठाया गया तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए, आपको फिर बाद में आपको कॉल बैक कर लिया जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको हेल्प के लिए मैंने आपको बता दिया, अपना साल बचाइए ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के माध्यम से, क्या फीस है, कितना लगेगा, कितने टाइम में हो जाएगा, टाइम तो काफ़ी कम टाइम में हो जाता है, सारा A to Z प्रोसेस, दुनिया भर की चीज़ें हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में रेज होते हैं, तो आपको फ़ोन नंबर जो दिया गया है उस पर आप फ़ोन कर लीजिए, जो भी आपको, जो भी व्यक्ति कोई टीम मेंबर का कॉल उठाएंगे वो आपको सारा हेल्प कर देंगे। तो मुझे ये बताना था एग्जाम से ऑन डिमांड के बारे में, जो मैंने आपको बता दिया।
मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका टाइम बच जाए और कुछ क्वेश्चन भी बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने ऑन डिमांड के ऊपर मैंने आपको बता दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नए हैं तो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें। किसी भी प्रकार की अन्य सहायता के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट दिए गए नंबर पर आप कॉल कर लीजिए।